नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केलकर है। मैं व्यसन मुक्ति तज्ञ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट हूँ और अकोला महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सुहागरात के बारे में आपको बताया था, सुहागरात कैसे मनाते हैं, सुहागरात में क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, और मैं ये वीडियो में वही चीजों को कंटिन्यू करने वाला हूँ। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बहुत ज्यादा फर्क है। लव मैरिज में लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं फिजिकली मेंटली, और उस कारणवश जब वो सुहागरात मनाते हैं तो उनका जो उतना फ्रीडम है, उतना जो इंटीमेसी है, वो जल्दी आ जाती है और वो जल्दी से सक्सेसफुल हो जाते हैं सेक्स करने में। अरेंज मैरिज में वैसा नहीं होता। अरेंज मैरिज में क्योंकि लड़का लड़की एक मेक को जानते नहीं है, उतना उनको फ्रीडम नहीं है, उतनी उनकी इंटीमेसी नहीं है फिजिकल, इसलिए सेक्स करने में उनको धीरे धीरे ट्राई करते हुए जाना पड़ता है और तुरंत ही सुहागरात में सेक्स करते आता नहीं। ये बेसिक चीज समझना बहुत ही जरूरी है। बहुत पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा फ्रेंड ऐसा बोल रहा था कि सुहागरात के समय उसने एक ही रात में दो तीन बार सेक्स कर लिया, लेकिन मैं एक भी बार सेक्स नहीं कर पाया, तो मुझ में क्या कमी है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हरेक की फ्रीक्वेंसी जो है, हरेक का जो वेवलेंथ है अपने वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो अलग अलग होता है। ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं कि मेरे फ्रेंड ने सुहागरात के दौरान दो बार सेक्स कर लिया तो मैंने भी तीन बार सेक्स करना चाहिए, ऐसा होता नहीं। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं और स्विमिंग करते हैं, जैसे हम साइकिलिंग धीरे धीरे सीखते हैं, स्विमिंग धीरे धीरे सीखते हैं, वैसे ही सेक्स भी एक कला है, एक प्रैक्टिस है, और उसे भी हम धीरे धीरे हमने सीखना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं सुहागरात मना नहीं पाऊंगा, तो मैं उन्हें साइकिलिंग और स्विमिंग का ही एग्जाम्पल देता हूं। मैं बोलता हूं कि जब तक आप पानी में कूदी मारेंगे नहीं, तब तक आपको यह ध्यान में आएगा नहीं कि आप स्विमिंग कर पाते हैं नहीं कर पाते। वैसे ही सुहागरात का है, जब तक आप वो एक्सपीरियंस लेते नहीं, तब तक आपको उसका मजा नहीं समझ में आएगा, और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आप उसको एंजॉय कर पाते या नहीं। मेरा एक क्लियर स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि सुहागरात ये ऐसी चीज है, सेक्स ये ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति बाय डिफॉल्ट उसे एंजॉय कर सकता है, खाली उसे नॉर्मल प्रोसीजर से करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने कहा, हिंदी फिल्म्स में सुहागरात को एक बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ एक रूप दिया है। बचपन से ही हम हिंदी फिल्मों में देखते आ रहे हैं कि सुहागरात हो रही है, वाइफ सज धज के आ रही है, हस्बैंड को दूध पिला रही है, और हस्बैंड धीरे धीरे घूंघट निकालता है और बाद में सेक्स करता है और बाद में सक्सेस हो जाता है, बाद में पूरे फ्रेंड्स परिवार वाले एंजॉय करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। 50% ऑफ द टाइम सुहागरात में कुछ एक्टिविटी होती भी नहीं। लेकिन हस्बैंड और वाइफ को यह समझना जरूरी है कि दोनों की जितनी ज्यादा इंटीमेसी होगी, उतना सुहागरात अच्छे से मना सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेंशन फ्री वातावरण। अगर टेंशन फ्री वातावरण रहा तो पुरुष और स्त्री दोनों अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं, रिलैक्स होके एक दूसरे के तरफ सेक्स की भावना रख सकते हैं। लेकिन अगर वातावरण बहुत टेंशन वाला रहा, सब रिलेटिव्स अगर आजू बाजू खड़े रहे और बोलते रहे कि आज सक्सेस होना ही चाहिए, आज ये आपको काम करना ही है, तो हमें वो काम बराबर करते आता नहीं और बाद में टेंशन के कारण हम फेल हो जाते हैं। और बहुत सारे रिलेटिव्स हमने ऐसे भी देखे हैं जो लड़की के ब्रदर होता है, लड़की के पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि सुहागरात में हस्बैंड बराबर परफॉर्म नहीं कर पाया, इसका मतलब हस्बैंड प्रॉब्लमेटिक है, और वो लड़की को लेकर अपने घर पे चले जाते हैं और हस्बैंड और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसलिए सुहागरात के दौरान टेंशन फ्री रहना, रिलैक्स होके सेक्स करना, और अगर सेक्स नहीं भी जमा तो ट्राई अंटिल यू सक्सीड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, वातावरण रिलैक्स रहना बहुत ही जरूरी है, और ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कोई सुहागरात और बेडरूम, ये कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ को भेज दिया और एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेस होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एंजॉय करेंगे, धीरे धीरे सुहागरात उतनी सक्सेसफुल होती जाएगी। मैं मेरे काउंसिलिंग में एज अ डॉक्टर हमेशा बोलता हूं कि सुहागरात यदि नहीं भी हुई, सेक्स अगर नहीं भी हुआ, तो फोरप्ले में आपने ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना चाहिए। फोरप्ले मतलब हस्बैंड और वाइफ ने खेलना, बात करना, स्पर्श करना, फिजिकली एक मेक से जान लेना, और यदि अगर फोरप्ले अच्छा हुआ तो डेफिनेटली धीरे धीरे आने वाले दिनों में सुहागरात भी अच्छा होगा। कोई भी प्रकार की दवाइयां, कोई भी प्रकार के पिल्स, पान, कोई भी प्रकार के टॉनिक्स,
शुरुआत के दौर पे मैं पेशेंट को लेने को नहीं बोलता हूं, मैं एडवाइस नहीं करता हूं, लेकिन अगर बार बार करने के बाद भी एंजाइटी हो रही है तब ये पेशेंट हमारे यहां आते हैं और हम पेशेंट को काउंसिलिंग करते हैं। हस्बैंड को ही नहीं, वाइफ को भी काउंसिलिंग करते हैं, उनकी एंजाइटी कम करते हैं, एंजाइटी कम करने के लिए दवाई देते हैं। उसके लिए हमारा एक स्पेशल टीम है जिसमें हम मैरिटल काउंसिलिंग करते हैं। मैरिटल काउंसिलिंग की करने के कारण पेशेंट और मतलब हस्बैंड और वाइफ का दोनों के बीच का जो टेंशन है वो कम होता है और दोनों अच्छी तरह से सेक्स कर सकते हैं। ये जो सुहागरात और उसके आजू बाजू जो एक वातावरण तैयार हो गया है, टेंशन का वातावरण तैयार हो गया है, वो कम करना हमारी जवाबदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि यदि आप साइकेट्रिस्ट के पास, हमारे पास आते हैं और अपने दिमाग का टेंशन कम करते हैं तो नहीं आपकी सुहागरात सक्सेसफुल हो सकती है, बल्कि आने वाले दिनों में जो सेक्सुअल आपकी एक्टिविटी है वो भी अच्छे से हो सकती है। मेरा ये वीडियो के द्वारा यही आपको अवेयरनेस कराना है कि कोई भी चीज खाली सुहागरात तक लिमिटेड नहीं रखना है। हम शादी करते हैं तो सुहागरात के लिए नहीं करते, हम एंड आयुष लाइफ के एंड तक हमको लाइफ एंजॉय करनी है, सेक्सुअल एक्टिविटी एंजॉय करनी है, इसलिए हम शादी करते हैं। और सुहागरात में हम फेल हो गए इसका मतलब दैट इज द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर एंजॉय करिए, वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।